मेरे भाई को अपनी लड़की बताकर तू शादी नहीं कर रहा उससे। वही तो उस पंडित को बोल के भेजा, पूछताछ से पता चला तेरा भाई पीता है, लड़की बाज है, बार बार जेल की हवा खा चुका है, ये सब हमें जमा नहीं। ये मर्द है, ये शराब के बगैर नहीं रह सकता। इन पागल लोगों से क्या बातचीत करने का, मैं लड़की उठा कर लाता हूँ अभी। हेलो मिस्टर, यहाँ से शराफत के साथ चले जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। क्या बुला ले अपनी पुलिस को। कोई अगर बीच में आया तो उसकी टांग तोड़ दूंगा। खड़े खड़े क्या देख रहे हो, कुछ तो करो। तुम जो भी कहोगे मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन उसे कैसे भी बचाओ। काट डालूंगा। मुझे बचा भैया। हम लोग कौन है तू जानता नहीं है क्या? उधर खड़ो कर बातें मत करो, इधर आकर बचाओ मुझे। ये दोगी ना? हाँ दूंगी। ए मारो। पैसा भी ले लिया और जा रहा है। जा रहे, देखो सबकी हड्डी तोड़ रहा है। मेरे भगवान, अब मुझको बचा ले, अब मुझको बचा ले। अरे भाग ले, जल्दी निकल ले यहाँ से। ये तुम्हारा भाई एक बहादुर के हाथ से मार खाया है, इस खुशी में तुम लोग नाचो। बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम हमेशा सुखी रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या तुम भी? अच्छा भाई साहब, ठीक है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं। हाँ। क्यों बेटी, जानवी मुंबई चली गई क्या? वो तो चली गई पिताजी। की खेती को सही सलामत इस फसल को कैसे बचाया जाए, इसी बारे में सोच रही होगी ना तुम चिंता मत करो। नीम की पत्ती और आम की गुठलियों को अच्छी तरह से सुखा कर फिर उसे पीस कर पाउडर बनाकर उस पाउडर को 1 लीटर पानी में 100 ग्राम की मात्रा में मिलाकर फिर 1 चम्मच लेके। हाय, सवा टिका। बस किया, मुरस किया, सिसीस किया, ब्रश किया इसको, बुरिश को, मुटास को। ये क्या हो गया मुझे? अरे अरे अरे, मुझे कुछ तो हुआ है।
अपना इलेक्ट्रॉनिक दिमाग है, चैनल चैनल वर्कआउट हो गया। हेलो। हेलो, कैसी हो लकी? याद रखा है तुमने मुझे? क्या उस दिन तुम बिना बोले चले गए, मैंने जो मांगा वो तुमने दिया ही नहीं मुझे। पढ़ाया। खैर छोड़ो ये सब, पता नहीं क्यों मैं यहाँ जब से आया हूँ तब से मुझे तुम्हारा ही ध्यान होता है। जिसको भी मैं देखता हूँ उसमें सिर्फ तुम दिखाई देती हो, टीवी पर अगर कोई चैनल लगाऊं तो उसमें तुम दिखाई देती हो, यहाँ तक कि अखबार देखता हूँ तो तुम नजर आती हो। हाँ, इन सब का क्या मतलब होता है जरा बताओ ना। आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड। बस यही पूछना था, ये मेरा नंबर है, अगर तुम्हें कुछ समझ में आ जाए तो कॉल मी। हेलो। अरे मुझे हर जगह यही क्यों दिखाई दे रहा है? तो कॉल करो ना उसके नंबर पे। अब क्यों रे, पिकअप में गाड़ी लाने के लिए इतना टाइम लग रहा है? टायर में हमारे है क्या? टायर डाला है। बैठो बैठो धीरे से, जल्दी चलो जल्दी चलो। कहो क्या बोलना चाहती हो? सीधे स्ट्रेट मैटर पर आता हूँ। यही है वो लड़की जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। हाँ जानवी, मेरे पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी ने इस लड़की के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी से हमारा रिश्ता तय किया था। ये परिवार हमेशा से ही एक साथ रह चुके हैं, इसलिए ये रास्ता निकला था। अकॉर्डिंग टू दैट, मेरे पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के परिवार में लड़का हो या लड़की हो, और इस लड़की के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के परिवार में लड़का हो या लड़की हो, शादी के बारे में पहले ही सोच रखा था। मगर विधि का विधान तो देखो, अब तक हम दोनों के परिवार में यहाँ एक लड़का, यहाँ एक लड़का, यहाँ एक लड़की और यहाँ एक लड़की पैदाइश हो रही थी, और इतने दिनों के बाद पहली बार मेरे पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के घर में मैं लड़का, और इस लड़की के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के घर में ये लड़की पैदा हो गई थी। हम दोनों की शादी होने जा रही है और ये विधि का विधान है। लगता है तुम्हें कुछ ठीक से समझ में नहीं आया। मेरे पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पीना है क्या? आपने बोला कुछ और मेरे कान में कुछ अलग सुनाई पड़ा। पियोगे क्या? यही पूछा। तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है क्या? बोलिए सर। मेरे पिताजी के पिताजी के तुम्हारे पिताजी के पिताजी के पिताजी इस लड़की के पिताजी के पिताजी के पिताजी रिश्ता जोड़ दिया। ये परिवार हमेशा साथ रहे। तुम्हारे पिताजी के पिताजी के पिताजी के परिवार में एक लड़का हो या लड़की, इस लड़की के पिताजी के पिताजी के परिवार में लड़का हो या लड़की जो पैदा हुआ दोनों की आपस में शादी करवा देंगे। लेकिन विधि का विधान देखो, यहाँ एक लड़का, यहाँ एक लड़की, यहाँ पर एक लड़का, यहाँ पर एक लड़की। तुम्हारे पुश्तों की कहानी सुनकर मैं क्या करूँ बताओ? यहाँ पर एक लड़की ही पैदा हुई, तभी तुम्हारे पिताजी के पिताजी के पिताजी की आस पर तुम इस लड़की के पिताजी के पिताजी के पिताजी की आस से ये लड़की पैदा हुई, और तुम दोनों शादी करने जा रहे हो, ये फैसला तुम्हारे पुरखों ने कर दिया। अब तो बोलो कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। वही तो, मेरे पिताजी के पिताजी। मैं जा रहा हूँ। नहीं, माँ। अब तुम सुनो, मैं 15 साल की उम्र में बालिग हो गई थी और इस समय मैं 21 साल की हूँ। 16, 17, 18, 6 साल हो गए, समझे? समझा ना। डेली मेरे आगे पीछे 5 लोग घूमते हैं और कम से कम 2 लोग लव लेटर देते हैं। 3, 4, तुम्हारे दिमाग में तो भूसा भरा है। इनमें से ना जाने कितने शरीफ लोग होंगे, लेकिन जानवी ने आज तक उन्हें घास तक नहीं डाली। जब कभी भी तुम्हारी आंखें नशे में रही, मुझे तो तुम्हारे ऊपर मर मिटने का दिल किया है। पता है, लापरवाह सा रहने वाला तुम्हारा ये स्टाइल, 4 दिनों तक बिना शेव की हुई तुम्हारी ये दाढ़ी, कॉलेज बॉय की तरह तुम्हारी ये बॉडी, तुम्हारा डांस, तुम्हारी फाइट, ये सब कुछ देखकर ही तो मैं तुम्हारे ऊपर दिलो जान से मरने लगी हूँ।
स्टूपिड। हमने जो प्लान बनाया था उस प्लान के मुताबिक जानवी को मुझसे प्यार हो गया है। अब मुझे आगे क्या करना है? वेरी गुड, एकदम सही रास्ते पर जा रहे हो। अपना अगला जो स्टेप है उस पर आगे बढ़ो। गो अहेड। ओके ओके। शादी करोगी मुझसे? बाय। अरे कहाँ जा रही है? बाय बाय।